नमस्ते, मैं मोना आप सभी को स्वागत कर रही हूँ मेरे चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक नॉन वेज आइटम क्राब का रेसिपी, जिसके लिए हमें चाहिए कुछ क्राब्स। मैंने यहाँ कुछ क्राब्स लिया हूँ। क्राब्स का बड़ा वाला लेग्स होता है, उसका ऊपर का सेल बहुत हार्ड है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ देती हूँ ताकि अंदर तक नमक अच्छा से घुस सके। ऐसा करके मैंने सारे लेग्स को थोड़ा थोड़ा करके तोड़ के रख लूँगी। बाकी क्राब्स का ये बॉडीज़ और लेग्स को मैंने अलग से रखी हूँ। सारे में हम हल्दी और नमक डाल के अच्छा से मिक्स कर लेंगे। क्राब्स से थोड़ा एक्स्ट्रा घी निकलता है, मैंने उसको अलग से एक कटोरी में निकल के रख ली हूँ। इसको मैंने बाद में डालूँगी सब्ज़ी में, ताकि सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अभी मसालों में हम ग्राइंड करेंगे अदरक लहसुन, साथ में डालेंगे एक प्याज, लाल मिर्च और इलायची और दालचीनी। इसको हमने मिक्सी में पेस्ट करेंगे। ये हमारा अभी पेस्ट रेडी हो गया है, इसको हम रख लेते हैं। टमाटर कट करके रखे हैं और हम सब्ज़ी में डालेंगे आलू। आलू को हमने फ्राई करके डालेंगे, इसलिए मैंने कढ़ाई में तेल गरम करके आलू को डाल देती हूँ। इसमें नमक और हल्दी डाल के इसको हम चलाएंगे, फिर फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे, कवर कर लेंगे, बीच बीच में चलाएंगे। लगभग 15-20 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे, फिर आलू भी सॉफ्ट हो जाएगी और कलर उसका बहुत अच्छा आ जाएगी। देखिए मेरा हो गया। अभी इसको मैंने अलग सा निकल के रख लेती हूँ प्लेट में। अभी हम उसी कढ़ाई में लगभग 3-4 टेबलस्पून सरसों का तेल डाल रही हूँ। तेल अभी मेरा गर्म हो गया है, इसमें हम डालते हैं एक बेली, डालते हैं कटी हुई प्याज। प्याज मैंने यहाँ 3 प्याज लिया हूँ। थोड़ा सा नमक डाल के इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अभी हमारा प्याज ब्राउन कलर आ गई, अब हमें इसमें डालते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, जो ग्राइंड करके रखे थे उसको डाल दिए मैंने। और इसको भी ऐसे फ्राई करते रहेंगे। गैस को हम मीडियम हीट पर रखेंगे। मसालों के हम थोड़ा सा भून के इसमें डालते हैं टमाटर। टमाटर को अच्छा से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं हम। इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, इसलिए हम कश्मीरी मिर्च लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। आपको जितना तीखा पसंद है आप उतना ही मिर्च डालिए। और इसको ऐसे ही भूनते रहेंगे जब तक मसालों से तेल ना निकले। अभी हमारा मसालों से तेल निकल के मसाला रेडी है। इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा पानी, लगभग 1 कप पानी डाल दिया मैंने। इसको अच्छा से मिक्स करेंगे और इसको थोड़ा सा उबाल आने देंगे इसमें। अभी इसमें उबाल आ गई, इसमें थोड़ा कटी हुई धनिया डाल देती हूँ। इसको भी अच्छा से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे क्राब्स को, सारे क्राब्स को इसमें हम डाल लेते हैं। इसको हम अच्छा से मिक्स करेंगे और इसको हम ऐसे ही पकाएंगे लगभग आधा घंटा तक। हम इसको पकाएंगे, बीच बीच में गैस सिम करके छोड़ देंगे और बीच बीच में गैस को हाई करके फिर फ्राई करेंगे, चलाते रहेंगे ऐसे। देखिए जैसे मेरा इसका कलर भी चेंज हो रही है, और अभी तो लगभग आधा घंटा हो गई, तो और भी इसको पकाना है। अभी हम इसमें डालेंगे वो जो घी निकल के मैंने रखी थी, उसको मैंने डाल दिया अभी, और इसको भी मिक्स कर लेते हैं।
अब हम इसमें आलू डाल देंगे, आलू को भी मिक्स कर लेंगे करके इसको भी लगभग 10-15 मिनट तक और पकाएंगे। ऐसे भी इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है और खाने में भी बहुत टाइम लगता है, पर बहुत टेस्टी है। अभी ये हमारा रेडी है, इसमें हम पानी डालेंगे। आपको जितना ग्रेवी चाहिए उतना पानी आप डालिए। इसको आप रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं, हम इसको चावल के साथ खाएंगे इसलिए थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी कर रहे हैं इसमें। इसमें अभी उबाल आने देंगे, थोड़ा और पानी डाल रही हूँ, उबाल आने से थोड़ा पानी कम हो जाती है इसलिए और थोड़ा पानी डाल देते हैं। अभी इसको छोड़ देंगे, उबाल आ गई मेरा, अभी उबाल आ गई, कितना अच्छा खुशबू आ रही है इसमें से। ऐसे भी क्राब्स में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं और भी बहुत सारे विटामिन्स इसमें हैं, इसीलिए ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और बहुत जल्दी हजम हो जाती है, इसीलिए मतलब सब लोग, मतलब सारे एजेस के लोग इसको खा सकते हैं। हम इसमें गरम मसाला ऐड किए और कुछ धनिया ऐड किए, आप चाहे तो इसमें मीट मसाला भी डाल सकते हैं। आप भी ऐसे बनाइए और खाइए, कैसे लगी मुझे ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे फिर खाएंगे इसको। थैंक यू।